इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास प्लस वन का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। देखो, बायोलॉजिकल मतलब जो जिंदा है, बायोलॉजिकल मतलब जो जिंदा है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्लासिफिकेशन मतलब इस दुनिया में, इस दुनिया जहान में जो भी चीज़ जिंदा है, लिविंग है, उनकी हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, यही अपना चैप्टर है। तो सबसे अर्लीएस्ट क्लासिफिकेशन जो अटेम्प्ट किया था वो किया था एरिस्टोटल अंकल ने। ठीक है, एरिस्टोटल अंकल ने अर्लीएस्ट क्लासिफिकेशन को अटेम्प्ट किया और उन्होंने टोटल जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एरिस्टोटल अंकल ने अर्लीएस्ट क्लासिफिकेशन किया और उन्होंने टोटल ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब टोटल प्लांट्स को उन्होंने फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, ट्री, श्रब, हर्ब, है ना, एक तरीके से बोल सकते हैं साइज के बेस पे। ठीक है, और टोटल एनिमल्स को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, पहले वो जिनके पास रेड ब्लड है ना, जो ब्लड है जिनका रेड कलर का है वो हो जाएंगे इनाइमा, और जिनके पास रेड ब्लड अब्सेंट है वो हो जाएंगे अनाइमा, है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना, ए जहां पे ए आ गया मतलब अब्सेंट, मतलब अनाइमा में ए रेड ब्लड जो होगा वो अब्सेंट होगा। ठीक है, और इनाइमा में क्या होगा, रेड ब्लड प्रेजेंट होगा। हम इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एरिस्टोटल अंकल ने अर्लीएस्ट क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने क्या किया, टोटल ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स भी फर्दर तीन टाइप के, ट्री, श्रब और हर्ब। ठीक है, एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो ऐसे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट होगा उनको उन्होंने बोला क्या, इनाइमा, और दूसरे कैसे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड अब्सेंट होगा उनको क्या बोला, उन्होंने अनाइमा बोला। ठीक है, ए फॉर अब्सेंट हम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तो था अर्लीएस्ट क्लासिफिकेशन की बात। अब अर्लीएस्ट क्लासिफिकेशन जो एरिस्टोटल अंकल ने दी थी, उसके बाद फर्दर फिर डेवलपमेंट होती गई और फर्दर क्या है, डिवीजन क्लासिफिकेशन अपनी होती गई। ठीक है, तो यहां पे किंगडम्स की बात की गई है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम, फाइव किंगडम, सिक्स किंगडम। ठीक है, देखो ये साइंटिस्ट आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, इनमें से कुछ हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, पर फिर भी ये आपको कि कौन सा किंगडम किसने दिया, ये आपको याद होने ही चाहिए। टू किंगडम किसने दिया, लिनियस अंकल ने। थ्री किंगडम किसने दिया, हैकल ने। फोर किंगडम किसने दिया, कोपलैंड ने। और फाइव किंगडम आरएच विटेकर, और सिक्स किंगडम कार्ल वीस। ये आपको याद हर हाल में होने ही चाहिए। ठीक है, अब बारी बारी से बात करते हैं। देखो, टू किंगडम में क्या था, प्लांट प्लस एनिमल। थ्री किंगडम में प्लांट और एनिमल के साथ एक नया किंगडम जो है ऐड हो गया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। फोर किंगडम में प्लांट भी एनिमल भी प्रोटिस्टा भी, एक नया किंगडम जो ऐड हुआ उसका नाम है मोनेरा। और फाइव किंगडम में प्लांट भी एनिमल भी प्रोटिस्टा भी मोनेरा भी, और एक नया किंगडम ऐड हो गया, फंजाई हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइव किंगडम वाला आरएच विटेकर ने जो दिया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना यहां पे क्या ऐड हुआ है, फंजाई नया ऐड हुआ है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रख के चलेंगे। थ्री किंगडम में प्रोटिस्टा ऐड हुआ, फोर किंगडम में मोनेरा ऐड हुआ, फाइव किंगडम में फंजाई नया किंगडम ऐड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स किंगडम। सिक्स किंगडम थोड़ा अलग तरीके का है। देखो, यहां पे प्लांट भी है, एनिमल भी है, प्रोटिस्टा भी है, फंजाई भी है ना। सिंपली इसमें हुआ क्या है, सिंपली इसमें चेंज क्या आया है, बिल्कुल सिमिलर इसके जैसा है, बस मोनेरा को यहां पे दो पार्ट में डिवाइड कर दो। मोनेरा को यहां दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक यू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया। बाकी बिल्कुल ये फाइव किंगडम के बिल्कुल सिमिलर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, हमारे माइंड में यहां पे कुछ क्वेश्चन जरूर आने चाहिए कि अगर टू किंगडम क्लासिफिकेशन हो चुका था तो थ्री किंगडम की जरूरत क्या पड़ी, और थ्री किंगडम हो गया तो फोर किंगडम की क्यों जरूरत पड़ी, फोर हो गया फाइव की क्यों जरूरत पड़ी। तो ये कुछ सवाल हैं जिनका हमें जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहां पे सीधी सीधी सी बात है कि हमें फर्दर आगे इंप्रूवमेंट होती जा रही है, आगे आगे जरूरत पड़ती जा रही है। तो सिंपल सी बात है, जो अर्ली क्लासिफिकेशन थी, मतलब जो पुरानी क्लासिफिकेशन हो रही थी, उनमें कुछ गड़बड़ थी, इसमें कुछ गड़बड़ थी इसलिए इसको करना पड़ा, इसमें कुछ गड़बड़ आई इसीलिए फर्दर हमें जाना पड़ा, इसमें कुछ गड़बड़ थी इसलिए इसको जाना पड़ा। ठीक है, कुछ इस तरीके की बात है। ठीक है, अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, इसको ऐसे फ्लो में मत लगा देना कि सिक्स किंगडम सबसे एडवांस है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे जो
अच्छा माना जाता है, सबसे जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो है फाइव किंगडम। हाँ, फाइव किंगडम सबसे वाइडली एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि फर्दर हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब सीधी सी बात है, जो अर्ली क्लासिफिकेशन थी उनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स विद अर्ली क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम उन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। देखो, अब हम बात करने वाले हैं एक एक करके कि अर्ली क्लासिफिकेशंस में दिक्कतें क्या थी, है ना, जो हमें आगे फर्दर इसको इम्प्रूव करना पड़ा। ठीक है, देखो अर्ली क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था, उन्होंने सीधा सीधा बोला कि जिसके भी पास सेल वॉल है, जिसके पास, जिस भी ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल है, उसको हमने क्या कर दिया, सीधा सीधा प्लांट में डाल दिया, उसको हमने सीधा सीधा प्लांट में डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कतें क्या आई, देखो बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, ये भी प्लांट में आ गया, ब्लू ग्रीन अल्गी के पास सेल वॉल, ये भी प्लांट में, फंजाई के पास सेल वॉल, ये भी प्लांट में, ब्रायोफाइट भी प्लांट में, टेरिडोफाइट भी, जिम्नोएंजियो, मतलब देख लो आप, बैक्टीरिया भी प्लांट के अंदर है, जिम्नोस्पर्म भी प्लांट के अंदर है, मतलब कितनी सारी गड़बड़ है ना। गड़बड़ क्यों है, क्योंकि बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर है, टेरिडोफाइट मल्टी सेलुलर है, तो बहुत सारी ऐसी दिक्कत है। बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोट है, एंजियोस्पर्म क्या है, एक यूकैरियोट है, तो ये बहुत सारी दिक्कतें यहां पे पैदा हो रही है ना, इसीलिए हमें फर्दर आगे पढ़ाना प्रॉब्लम्स की बात करें कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई। अब देखो फर्दर अगर बात करें तो देखो यहां पे क्या दिक्कत है, देखो हमने इसके अकॉर्डिंग, सेल वॉल के अकॉर्डिंग फंजाई, फंजाई और प्लांट्स को, मान लो टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म को इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा कर दिया। अब दिक्कत क्या थी, फंजाई होती है हेटरोट्रॉप, मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकती, और प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी ऑटोट्रॉप। अब दिक्कत क्या हुई, हेटरोट्रॉप और ऑटोट्रॉप भी इकट्ठे हो गए ना, तो यह भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और क्या क्या दिक्कतें आई हम उस पर बात कर रहे हैं। देखो क्लेमिडोमोनास एंड स्पायरोगायरा दोनों क्या हैं, एल्गी हैं, दोनों क्या हैं, एल्गी हैं, तो एल्गी होने के मुताबिक तो दोनों को किस में होना चाहिए, प्लांट में होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहां पे दिक्कत क्या है, क्लेमिडोमोनास जो है वो यूनिसेलुलर है और स्पायरोगायरा जो है वो मल्टीसेलुलर है, तो यहां पे दिक्कत वाली बात है कि यूनिसेलुलर को हम कैसे प्लांट में, कैसे एल्गी में डाल रहे हैं, ये भी एक यहां पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम विद अर्ली क्लासिफिकेशंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक और प्रॉब्लम सामने आई, जैसे फंजाई है, देखो फंजाई और प्लांट को हमने बिल्कुल सेम ग्रुप में रखा था, सेम ग्रुप में रखा था। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है, बट फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई है ना, तो यहां पे भी एक सवाल खड़ा हो जाता है कि इसकी सेल वॉल किसी और की बनी है, इसकी किसी और की बनी है, तो हम इसको सेम ग्रुप में कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी दिक्कतें थी अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, जो पहले क्लासिफिकेशन पुरानी हो रही थी उनके साथ ये दिक्कतें पैदा हुई। ठीक है, अब इन दिक्कतों से बचाने के लिए एक मसीहा आया जिसका नाम था आर एच विटेकर। ठीक है, आर एच विटेकर एक मसीहा आया और उसने सारी दिक्कतों का जवाब दे दिया अपनी क्लासिफिकेशन से, और कौन सी क्लासिफिकेशन से, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से। देखो यहां पे देखो आर एच विटेकर ने कौन सी, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। ठीक है, तो यहां पे क्राइटेरिया की बात की जा रही है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ पूरा कॉपी पेस्ट किया गया है। ठीक है, आर एच विटेकर का क्राइटेरिया क्या था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनिक रिलेशन, ये आर एच विटेकर का क्राइटेरिया था। ठीक है, और क्लासिफिकेशन कौन सा था, फाइव किंगडम, पांच किंगडम में उन्होंने डिवाइड कर दिया। कौन से पांच थे, एक मोनेरा था, एक प्रोटिस्टा, एक फंजाई, एक प्लांटी, एक एनिमिलिया। ठीक है, बट हम फाइव किंगडम को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से ऐसे डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, डिवाइड करके कैसे, देखो ऑर्गेनिजम्स को सिंपली दो पार्ट में डिवाइड कर दो, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, सिंपल सा हिसाब है, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है वो हो जाएगा प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो हो जाएगा यूकैरियोट्स। ठीक है, देखो करियो का मतलब होता है न्यूक्लियस के रिलेटेड। ठीक है, करियो का मतलब होता है न्यूक्लियस के रिलेटेड, और यू मतलब होता है ट्रू, ट्रू मतलब सच्चा, मतलब जिसमें सच्चा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और इसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में हमारे पास कौन सा किंगडम आ जाएगा, पांच किंगडम करने हैं ना, कौन सा किंगडम आ जाएगा, मोनेरा, और यूकैरियोट्स में आ जाएंगे बाकी के चार किंगडम कौन से, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो यहां पे आप एक सिंपल सा पैटर्न पकड़ो। ठीक है, यहां से ऐसे ऐसे
ऐसे इस तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, यहां से ऐसे 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 इस तरफ हम जा रहे हैं, और क्या करते हुए जा रहे हैं, देखो सबको पता है सेल होती है, और सेल से मिलके बनता है टिश्यू, और टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो हम यहां एडवांसमेंट की तरफ एक तरीके से जा रहे हैं। देखो मोनेरा कैसे थे, यूनिसेलुलर थे, यूनिसेलुलर, और प्रोटिस्टा भी कैसे, यूनिसेलुलर। फंजाई में क्या हुआ, फिर टिश्यू आना स्टार्ट हो गया, मतलब थोड़ी सी एडवांसमेंट हो गई, है ना, ये मल्टीसेलुलर हो गए, और यहां पे लूज टिश्यू है, लूज टिश्यू आना स्टार्ट हो गया। और प्लांट की तरफ गए तो यहां पे टिश्यू भी आ चुका है, और यहां पे ऑर्गन भी बन चुके हैं। और एनिमलिया की तरफ गए, यहां पे टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, और ऑर्गन सिस्टम है। एनिमल अपना खुद का ही एग्जांपल ले लो, हमारे अंदर टिश्यू भी है, हमारे अंदर ऑर्गन भी है, जैसे ऑर्गन लगा लो लीवर है, है ना, या इंटेस्टाइन है, ये सब क्या है, ऑर्गन ही तो है। और अपने पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम भी है, जैसे अपने पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, अपने पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये कुछ इस तरीके से फ्लो याद रखना, ठीक है। अब यहां पे एक 20 स्टार, 25 स्टार, 30 स्टार लगा लेना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यूनिसेलुलर यूकेरियोट कौन सा होता है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट कौन होता है, प्रोटिस्टा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर हिट क्वेश्चन है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट क्या होता है, प्रोटिस्टा होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इन पे हम बारी बारी से बात करने वाले हैं, पहले हम मोनेरा पे बात करेंगे, फिर प्रोटिस्टा पे बात करेंगे, फिर फंजाई पे, फिर प्लांटी पे, फिर एनिमल पे, ठीक है। अब ध्यान देना, प्लांटी और एनिमल के लिए बिल्कुल अलग से चैप्टर बने हुए, प्लांट्स के लिए तो बहुत सारे चैप्टर हैं अपने, और एनिमल के लिए भी बहुत सारे हैं। प्लांट के लिए जैसे प्लांट किंगडम हो गया, मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट हो गया, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हो गया, ना बहुत सारे अपने पूरे बायोलॉजी में भरे पड़े हैं, है ना, पूरी प्लांट फिजियो है अपनी। और एनिमल्स के लिए भी बहुत सारे चैप्टर हैं, एनिमल किंगडम है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है, ठीक है, पूरी ह्यूमन फिजियो भरी पड़ी है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो बहुत सारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, तो इनके लिए तो पूरी बायोलॉजी इन्हीं पे अपनी बेस्ड है, ठीक है। और ये अपने इसी चैप्टर में खत्म हो जाएंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम मोनेरा से, जैसे जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे वैसे चलेंगे, एक एक वर्ड, एक एक लाइन बिल्कुल साथ में रहना, ठीक है। देखो मोनेरा के बारे में पहली ही लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, पहली लाइन। दूसरी लाइन कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल क्लियर है दोनों लाइन। अब ये शेप्स दी हुई हैं बैक्टीरिया की, कोकस कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, बैसिलस कैसी होती है, रोड शेप्ड होती है, विब्रियम कैसी होती है, कोमा शेप, और स्पाइरेलम स्पाइरल, बिल्कुल एक एक चीज को साथ में याद करते हुए चलेंगे, बाद के लिए छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी में आप पहरा लाइंस पढ़ने जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, तो मैंने इस तरीके से डिवीजन की है, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का कवर होगा। देखो मैं जान जान के बोलता हूं बार बार एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, ताकि आपका थोड़ा फोकस बने, ध्यान बने। देखो बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी अपना खाना खुद बनाएंगे, और हेटरोट्रॉफिक मतलब वो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक और मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक, मतलब एक एक लाइन अपनी कवर है, ठीक है। अब ऑटोट्रॉपिक में भी दो ऑप्शन बनते हैं, या तो फोटोसिंथेटिक हो या कीमोसिंथेटिक हो। देखो फोटो, फोटो सिंथेटिक का मतलब होता है सिंपल बनाना, सिंथेटिक का मतलब, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, फोटो मतलब लाइट का यूज करके बनाना, मतलब खाना बनाना, और कीमोसिंथेटिक मतलब, कीमो मतलब केमिकल रिएक्शंस, और सिंथेटिक मतलब सिंथेसिस, मतलब केमिकल रिएक्शंस का यूज करके फूड का सिंथेसिस करना। अब केमिकल रिएक्शन एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हुई है, कौन सी, ऑक्सीडेशन ऑफ, जैसे नाइट्रेट्स की ऑक्सीडेशन, नाइट्राइट्स की ऑक्सीडेशन, अमोनिया की ऑक्सीडेशन, इस तरीके की केमिकल रिएक्शन में कीमोसिंथेटिक में होती है, क्लियर बात है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक लाइन ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इसको भूल मत जाना, मैं फिर से बोल रहा हूं, 5 स्टार 10 स्टार लगा लो, लिखी हुई है, एज ए ग्रुप, एज ए ग्रुप बैक्टीरिया क्या है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है ना, एज ए ग्रुप बैक्टीरिया की, है ना, बैक्टीरिया की मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है, क्लियर बात है। अब एक नेक्स्ट चलते हैं हम आर्की बैक्टीरिया के, जो आर्की बैक्टीरिया का एनसीईआरटी में एक पैरा दिया हुआ है, उसको एक ही पैरा में
निपटा देते हैं, एक एक लाइन पूरी कवर होगी। आर्किबैक्टीरिया की खास बात क्या है, लिव इन हार्श हैबिटेट, मतलब ये हार्श हैबिटेट मतलब जहां पे पूरी एक्सट्रीम कंडीशन होती है ना वहां पे रहते हैं। और ये ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होती है, इनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर थोड़ी खास होती है, इसलिए ये हार्श हैबिटेट हार्श कंडीशन को झेल पाते हैं। अब हार्श कंडीशन तीन टाइप की बात की गई है कि हेलोफाइल्स मतलब जहां बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन होगी, थर्मो एसिडोफाइल से थर्मो से याद आ जाएगा हॉट स्प्रिंग जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, और मिथेनोजींस मतलब जो मार्शी एरिया में रहेंगे मतलब जहां मिथेन रिलीज होती है वहां पे, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है कि बहुत सारे नहीं बोला, बहुत सारे रूमिनेंट्स जैसे कैटल बफेलो उनके गट में एक बैक्टीरिया होता है आर्किबैक्टीरिया मिथेनोजीन, ये मिथेनोजीन। अब मिथेनोजीन क्या करता है, वो बायोगैस या मिथेन की प्रोडक्शन करता है ना, कहां से, फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल, मिथेन या बायोगैस की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं सयानोबैक्टीरिया। सयानोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और इसके एग्जांपल हैं नोस्टोक एनाबिना, याद रख लेना, वैसे ये मिनरल न्यूट्रिशन में भी आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको पूछना चाहिए कि इसके नाम के पीछे ये एल्गी क्यों आ रहा है ना, ये आपको पूछना चाहिए कि इसके नाम के पीछे ये एल्गी क्यों आ रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि इसके नाम के पीछे एल्गी इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो प्लांट्स के थोड़े रिलेटेड होते हैं, जैसे प्लांट्स में क्लोरो क्लोरोफिल ए पाया जाता है तो सयानोबैक्टीरिया में भी क्या है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है ना, तो कुछ इस तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है। कैसे होते हैं सयानोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स होते हैं। देखो पहली बात, पहला पॉइंट क्या है, इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। अब क्लोरोफिल ए है ना, ये फोटोसिंथेटिक तो है ही, फोटोसिंथेसिस तो कर ही रहे हैं, तो सिंपल सी बात है फोटोसिंथेसिस मतलब ये अपना फूड खुद बना रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसीलिए क्या हो गया ऑटोट्रोफिक, फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रोफ्स हैं और क्लोरोफिल ए इनके पास प्रेजेंट है। तीन क्वेश्चन तो अपने यही बन गए। अब फर्दर चलते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया है। सयानोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, तो इसमें भी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सयानोबैक्टीरिया हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, मोनेरा के अंदर पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है मोनेरा सारे कैसे थे, यूनिसेलुलर थे, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। अब यहां पर यह है कि ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं, एक तरीके से इनकी अरेंजमेंट की स्ट्रक्चर की शेप की बात की गई है कि कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकते हैं। अब ये एक सुपर हिट क्वेश्चन है, देखो इस डायग्राम को देखते चलो और सारे पॉइंट अब अपने खत्म हो जाएंगे। सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, देखो ये जो ब्लू कलर की, ये जो ब्लू कलर की इसमें दिख रही है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम, ये ब्लू कलर की है, ये अपनी क्या है जिलेटिनस शीथ, कि इनके अराउंड क्या होती है, इनके अराउंड क्या होती है जिलेटिनस शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑफन फॉर्म ब्लूम इन वाटर, ये सिंपल सा मतलब है, देखो ब्लूम का मतलब होता है एक तरीके से एक्सेसिव ग्रोथ, ब्लूम का मतलब अगर आप देखोगे तो इसका मतलब होता है एक्सेसिव ग्रोथ, तो सिंपल सी बात है सयानोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी की जब पानी में एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए उसी को हम बोलते हैं क्या, ब्लूम एक तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल हेट्रोसिस्ट, अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये कैसे फिक्स करते हैं वो आप टेंशन छोड़ दो, वो अपना मिनरल न्यूट्रिशन में पूरा कंसेप्ट से कवर हो जाएगा, यहां पे बस अपने को करना है, देखो ये अपना क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या है स्पेशल सेल प्रेजेंट है हेट्रोसिस्ट, जैसे ये एक हेट्रोसिस्ट है, ये भी हेट्रोसिस्ट है, तो हेट्रोसिस्ट के अंदर क्या होती है नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है, कैसे होती है, कैसे होती है, कब होती है, वो हम मिनरल न्यूट्रिशन में अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। अब ये कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स दिए हैं जो मैंने बिल्कुल अलग से लिख दिया, इनको हम हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या है, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया होते हैं, पहला पॉइंट हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होते हैं मेजोरिटी कैसे होते हैं डीकम्पोजर्स होते हैं, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया में मेजोरिटी कैसे होते हैं डीकम्पोजर्स होते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि जो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया है वो उनका काम क्या होता है, वो किस
काम में आते हैं, उनका यूज क्या है, हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, एंटीबायोटिक्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग इन लेग्यूम्स, इसको बिल्कुल भी याद मत करो, ये अपना फर्दर अगले चैप्टरों में कवर हो जाएगा, कोई दिमाग पे जोर नहीं डालना है आप, ठीक है। और सम कॉमन बैक्टीरियल डिजीज, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, साइटोकेंगर, इसको भी मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी याद मत करो। कुल मिला के ये पैरा एनसीईआरटी में था इसलिए यहाँ पे कवर कर दिया, पर इसमें कुछ भी मत याद करो, ये अपना फर्दर अगले चैप्टरों में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब एनसीईआरटी में नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपने क्या दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया दिया हुआ है और एक माइकोप्लाज्मा दिया हुआ है। तो पहले करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, है ना, जो जो लिखा हुआ है इससे अलग आपको एक भी पॉइंट मिलेगा ही नहीं एनसीईआरटी में। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन, क्लियर बात है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन, ठीक है। अब नेक्स्ट है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स, मतलब ऐसा कुछ है कि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है बाहर और हम रजाई ओढ़ के लेट गए आराम से, और इतने ठंड नहीं चली जाती, इतने हम रजाई ओढ़ के पड़े हैं बस। तो इसी तरीके से अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक लाइन लिखी है, देखो आपको पीएचडी करनी है तो आप एक्स्ट्रा किताबों से कितना भी पढ़ सकते हैं, पर मेरा यह मानना है कि एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिखा हुआ है, बाई अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरियम टू अनदर, ठीक है। मैं बार बार एनसीईआरटी इसलिए बोलता हूं कि एनसीईआरटी से ही लगभग लगभग पूरा पेपर आता है, और हम एक्स्ट्रा किताबों में घुस जाते हैं ना तो हमारा वो फिजिक्स केमिस्ट्री का टाइम खराब हो जाता है ना। बायो में तो आप मान लिया 5-10 नंबर बढ़ा लोगे फालतू की किताबें पढ़ के, पर वो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके 50-60 घट जाएंगे, तो इस बात को ध्यान देना, ठीक है। अब मोनेरा हम खत्म करने जा रहे हैं, ये लास्ट है माइकोप्लाज्मा, मोनेरा के बाद हम चलेंगे कहां, प्रोटिस्टा में। माइकोप्लाज्मा के बारे में ये चार ही पॉइंट एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट, सेल वॉल इनमें अब्सेंट होती है। दूसरा पॉइंट, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा। तीसरा पॉइंट, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक। अब हम बात करने जा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। और प्रोटिस्टा के बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्रोटिस्टा कैसे हैं, यूकेरियोट्स हैं और कैसे हैं यूनिसेलुलर। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स क्या होते हैं, तो वो आंसर जाएगा प्रोटिस्टा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो इन पे बारी बारी से बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूं। देखो इनमें एक कॉमन कन्फ्यूजन होती है कि किसमें, इसमें सेल वॉल कैसी थी, इसमें कैसी थी सेल वॉल, इसमें सेल वॉल कैसी थी, ये कंफ्यूजन का पॉइंट है। और कौन सा फोटोसिंथेटिक है, कौन सा नहीं है, ये भी एक कंफ्यूजन का पॉइंट है। और किसमें फ्लैजिला है, किसमें नहीं है, ये भी एक कंफ्यूजन का पॉइंट है। तो पहले तो हम अपनी कंफ्यूजन से निकल लेते हैं, फिर इन पे हम बारी बारी से बात करेंगे, इसके बारे में, 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 ठीक है, ठीक है। देखो प्रोटिस्टा में हमारे पास क्या आया, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स एंड स्लाइम माउथ्स। अब यहां पे मैंने प्रोटोजोन नहीं लिखे हैं क्योंकि वो अलग से हैं, तो उनको अलग तरीके से ही पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम माउथ्स, ठीक है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की। सेल वॉल की बड़ी कंफ्यूजन होती है इन सब में, ठीक है। तो सेल वॉल क्राइसोफाइट्स में कैसी है, टू ओवरलैपिंग शेल होती है, जो सोप बॉक्स की तरह फिट होती है। नेक्स्ट है डाइनोफ्लैजिलेट्स में सेल वॉल कैसी होती है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो इसके लास्ट में आ रहा है लेट्स यानी प्लेट्स, तो याद आ जाएगा स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, ठीक है। अब यूग्लेनोइड्स की सेल वॉल के बारे में लाइन लिखी हुई है कि इंस्टीड ऑफ सेल वॉल इसमें क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन रिच लेयर, जिसका नाम है पेलिकल, है ना। इसमें पेलिकल प्रेजेंट होती है जो प्रोटीन रिच होती है और जो यूग्लेनोइड्स को क्या बना देती है, फ्लेक्सिबल बना देती है, बिल्कुल क्लियर है। स्लाइम माउथ्स में सेल वॉल के बारे में सिर्फ ये इतना सा लिखा हुआ है कि स्पोर हैव ट्रू वॉल, सिर्फ ये लाइन याद रखनी है, स्पोर हैव ट्रू वॉल, सेल वॉल की कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर। अब नेक्स्ट कंफ्यूजन, ये एक एक पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है, एनसीईआरटी ये लिखे हुए हैं। देखो क्राइसोफाइट्स मोस्टली फोटोसिंथेटिक, डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली फोटोसिंथेटिक, यूग्लेनोइड्स, यहां पे यूग्लेनोइड्स के बारे में खास बात क्या है कि जब सनलाइट
प्रेजेंट होगी तो ये फोटोसिंथेटिक की तरह बिहेव करेंगे, और सनलाइट जब अब्सेंट होगी तो ये हेटरोट्रोपिक बन जाएंगे। क्लियर बात है। स्लाइम माउल्स में लिखा हुआ है कि ये सैप्रोफिटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक, S फॉर स्लाइम माउल्स, S फॉर सैप्रोफिटिक। और फ्लैजिला की अगर बात करें तो क्राइसोफाइट्स और स्लाइम माउल्स में एनसीईआरटी में कहीं भी फ्लैजिला का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, अब इन दोनों में फ्लैजिला की बात की है। देखो इसको तो नाम ही है डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाई मतलब दो, फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला, तो इसमें होंगी दो फ्लैजिला और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है ट्रांसवर्स। ठीक है, युग्लिनोइड्स में भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसमें भी दो फ्लैजिला होती है, एक होगी लॉन्ग एक होगी शॉर्ट। ठीक है, इसमें दो फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स, और इसमें दो फ्लैजिला, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखो हम अपनी बेसिक कंफ्यूजन से क्या है बिल्कुल ही निकल चुके हैं। अब हम बारी बारी से बात कर रहे हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम क्राइसोफाइट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो क्राइसोफाइट्स के अंदर क्या क्या आएगा, डाई एटम्स आएंगे और गोल्डन एल्गी आएंगे, और गोल्डन एल्गी का ही दूसरा नाम क्या होता है, डेस्मिड्स होता है। क्राइसोफाइट्स के अंदर आए डाई एटम्स प्लस गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी का ही दूसरा नाम है डेस्मिड्स। ठीक है, बिल्कुल जो जो है साथ में याद करेंगे, पूरी एनसीईआरटी का एक एक वर्ड हम साथ में ही याद करेंगे। ठीक है, अब ये है सेल वॉल वाली कंफ्यूजन जिससे हम ऑलरेडी निकल चुके हैं। ओवरलैपिंग शेल सोप बॉक्स की तरह फिट होती है। ठीक है, सेल वॉल फॉर्म ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। ठीक है, ये सेल वॉल सी कंफ्यूजन से हम निकल चुके हैं। ठीक है, अब ये क्या है, फाउंड इन फ्रेश वाटर या मरीन वाटर, ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और मरीन वाटर में भी पाए जा सकते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लाइन आती है कि फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। ठीक है, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, इनको क्या बोलते हैं, प्लांकटन बोलते हैं। मतलब क्या है, पानी के बहाव के साथ एक तरीके से बोल सकते हैं ये बहते रहते हैं, और मोस्टली फोटोसिंथेसिस होती है ना, वो हम ऑलरेडी कंफ्यूजन में कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें अपने को याद रखना है कि इनकी वॉल्स में, सेल वॉल्स में क्या होती है, सिलिका होती है। इस पॉइंट पे 10 स्टार 20 स्टार लगा लेना, क्योंकि इसका क्राइसोफाइट्स का सबसे सुपर हिट क्वेश्चन क्या है, ये सिलिका वाला है। ठीक है, क्राइसोफाइट्स की सेल वॉल में क्या होती है, सिलिका होती है, और इसी सिलिका की वजह से, देखो इनकी भी तो कोई लाइफ स्पैन होती है ना, इनकी डेथ होती जाएगी तो सिलिका क्या है, डिपॉजिट होती जाएगी, फिर और की डेथ होगी फिर क्या है, सेल वॉल में सिलिका थी तो वो सिलिका क्या है, एक तरीके से डिपॉजिट होती जाएगी, और उसी डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, एक तरीके से डाई एटमेशियस अर्थ, मतलब वहां पे बहुत सारी डिपोजिशन इकट्ठी हो जाएगी, उसी को हम बोल देते हैं क्या, डाई एटमेशियस अर्थ। डाई एटम कहां से आया, डाई एटम से आया, डाई एटमेशियस अर्थ मतलब डाई एटम्स की एक तरीके से डिपोजिशन हो गई, मतलब सिलिका की वहां डिपोजिशन हो गई। ठीक है, और इसी सिलिका की वजह से ही इसके यूज भी हमारे सामने आते हैं कि किस किस में यूज होते हैं, पॉलिशिंग में यूज, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप में इसमें इसका यूज होता है। ठीक है, अब ये चीफ प्रोड्यूसर, यहां पे फिर से आप 15 स्टार 20 स्टार लगा लेना कि डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, इसको ऐसे याद रखना, कंफ्यूजन हो जाए तो इसको ऐसे याद रखना, C4 क्राइसोफाइट्स C4 चीफ प्रोड्यूसर। ठीक है, इस तरीके से इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, अब क्राइसोफाइट्स अपना फिनिश हो चुका है, अब हम बात करने वाले हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। ठीक है, बिल्कुल डिस्क्रीट तरीके से पढ़ेंगे, जहां से मैक्सिमम एक एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहां बिल्कुल गहराई तक जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन पे ही बात करेंगे। देखो, मोस्टली मरीन होते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, यहां से कोई खास क्वेश्चन बनेगा नहीं, पर एनसीईआरटी की लाइनें करनी पड़ेगी। ठीक है, मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। नेक्स्ट, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है डाइनोफ्लैजिलेट्स में, हां डाइनोफ्लैजिलेट्स में क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं और इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से ये कलरफुल दिखते हैं, येलो भी दिख सकते हैं ना, वो तो पिगमेंट पे डिपेंड करेगा कि जिस तरीके का पिगमेंट प्रेजेंट है वैसा ही कलर दिखेगा, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पे 20 स्टार लगा लो, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है कि ये कलरफुल होते हैं पिगमेंट की वजह से, डाइनोफ्लैजिलेट्स कलरफुल दिखते हैं, येलो दिख सकते हैं, ग्रीन दिख सकते हैं, ब्लू दिख सकते हैं, रेड दिख सकते हैं, किसकी वजह से, पिगमेंट्स की वजह से। सिंपल सी बात है, ये यहां पे पहला अपना सुपर हिट क्वेश्चन यहां से बन गया। दूसरा सुपर हिट क्वेश्चन कि सेल वॉल में क्या होती है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन
सरफेस, ठीक है, सेलवॉल हैज स्टिफ सेलुलस प्लेट ऑन सरफेस। ये वैसे हम अपना कंफ्यूजन में कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा सुपरहिट क्वेश्चन, दो सुपरहिट क्वेश्चन बन चुके हैं। तीसरा सुपरहिट क्वेश्चन, इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। देखो डाय, डाय मतलब दो, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला, मतलब इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स, ठीक है। बहुत, तीन सुपरहिट क्वेश्चन बन चुके हैं, एक कलर वाला, एक सेलवॉल वाला, एक दो फ्लैजिला वाला, ठीक है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, वो होगा आपका गोनी ओलेक्स के रिलेटेड, गोनी एलोक्स के रिलेटेड, है ना, उसको रेड टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं कि रेड टाइड्स होती क्या है। देखो हमने अभी अभी ऊपर बात की थी कि ये कलरफुल हो सकते हैं, ये येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं। तो जो रेड वाले डाइनोफ्लैजिलेट हैं, अगर वो रैपिड मल्टीप्लीकेशन कर दें, अगर वो समुंदर के अंदर रैपिड मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो वो पूरे समुंदर को कैसा दिखा देंगे, वो रेड अपीयरेंस ऑफ सी कर देंगे, ठीक है। एक तरीके से वो लाल लाल दिखने लगेगा, और इसी को बोलते हैं रेड टाइड, है ना, रेड टाइड, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से, ठीक है। और रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स का जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है गोनी ओलेक्स दिया हुआ है, गोनी ओलेक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये हम याद रखेंगे, यहाँ पे 10 स्टार लगा लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रेड टाइड बनी है किस वजह से बनी है, क्योंकि रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स ने रैपिड मल्टीप्लीकेशन की है, और उन्होंने रेड अपीयर ऑफ सी कर दी है, ठीक है। अब ये रेड टाइड टॉक्सिन रिलीज कर दिया, मतलब ये जो बहुत सारे रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर समुंदर में सी के अंदर टॉक्सिन रिलीज होगा, तो वो मरीन एनिमल्स, जो वहां पानी में एनिमल्स प्रेजेंट है, उनको क्या करेगा, वो किल कर देगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा। अब देखो अपना डाइनोफ्लैजिलेट्स खत्म हो चुका है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं किसकी तरफ, युगलिनोइड्स की तरफ, ठीक है। फिर से वही पैटर्न पे चलेंगे, जहां जहां से क्वेश्चन बनेगा वो सुपरहिट क्वेश्चन आपको सुपरहिट पॉइंट उठा के बताता जाऊंगा, साथ में बिल्कुल याद करेंगे एक एक पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां पे यही बनता है, मेजोरिटी आर फ्रेश वाटर फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। सबसे पहले स्टैग्नेंट वाटर का मतलब समझ लेते हैं, स्टैग्नेंट वाटर का मतलब है खड़ा हुआ पानी, खड़ा हुआ मतलब स्टिल, है ना, वो मूव नहीं कर रहा। से एक तो मान लो रिवर है, नदी है, उसमें क्या है, पानी चलता है, और एक है तालाब है, वहां पे पानी खड़ा रहता है, है ना, तो कुछ इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेजोरिटी आर फ्रेश वाटर, अभी तक आपने देखा होगा हम मरीन वाटर के गाने गा रहे थे, पर यहां पे मेजोरिटी क्या है, फ्रेश वाटर। तो पहला क्वेश्चन तो यहां पे अपना बन चुका है। दूसरा क्वेश्चन, इंस्टीड ऑफ सेलवॉल, सेलवॉल की कंफ्यूजन वैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पर फिर से करेंगे, बहुत बहुत सुपर हिट क्वेश्चन का है सेलवॉल का हर क्वेश्चन। प्रोटिस्टा में देखो ये बात याद रखना, प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल का क्वेश्चन हमेशा सुपर हिट क्वेश्चन होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता ही करता है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल इज प्रेजेंट विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। मतलब इनमें क्या होती है, सेल वॉल की जगह इनमें क्या प्रेजेंट होती है, पेलिकल प्रेजेंट होती है, और पेलिकल क्या होती है, प्रोटीन रिच होती है। इसको थोड़ा इस तरीके से याद रख लेना, P4 पेलिकल P4 प्रोटीन P4 पेलिकल P4 प्रोटीन। अब क्वेश्चन देखते हुए चलो, पहला क्वेश्चन युगलिनोइड्स में पेलिकल प्रेजेंट है, दूसरा क्वेश्चन इंस्टीड ऑफ सेलवॉल, सेलवॉल की जगह पे पेलिकल प्रेजेंट है, और तीसरा क्वेश्चन पेलिकल का फंक्शन क्या है, इधर फ्लेक्सिबल, वो उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे यहां पर एक बहुत अच्छी कंफ्यूजन आएगी, यहां पर दो फ्लैजिला थी, एक लॉन्गिट्यूडनल थी, एक ट्रांसवर्स थी डाइनोफ्लैजिलेट्स में, और युगलिनोइड्स में एक शॉर्ट एक लॉन्ग, है ना, एनसीईआरटी में जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे ही याद रखना है, ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक की बात करें तो यहां पे बहुत अच्छा एक पॉइंट बनेगा। देखो सिंपल सी बात है, युगलिनोइड्स थोड़े समझदार हैं, अगर उनको सनलाइट मिल गई तो वो फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे, और सनलाइट नहीं मिली तो वो हेटरोट्रॉफिक हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर उनको सनलाइट मिल गई तो अपना खाना खुद बना लेंगे, अगर नहीं मिली तो दूसरों से ले लेंगे, सिंपल सा फंडा है इनका, ठीक है। और एक यहां पे ये बहुत अच्छा पॉइंट आता है कि युगलिनोइड्स में जो फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट्स हैं वो हायर प्लांट्स के आइडेंटिकल हैं, है ना, हायर प्लांट्स के आइडेंटिकल पिगमेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। और एग्जांपल तो अपना ऑटोमेटिकली हो गया युगलिनोइड्स का एग्जांपल युगलिना, ठीक है। अब यहां पे फिर से मैं आपको सुपर हिट क्वेश्चन बताता हूं, पहला सुपर हिट क्वेश्चन है क्या, पेलिकल वाला, दूसरा सुपर हिट क्वेश्चन है शॉर्ट एंड लॉन्ग फ्लैजिला,
तीसरा सुपर हिट क्वेश्चन है कि ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, और चौथा सुपर हिट क्वेश्चन है कि इनके पिगमेंट्स हायर प्लांट के क्या है, आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको हम करेंगे। ठीक है, अब यूग्लिनोइड्स के बाद हम चलते हैं किस पे, स्लाइम माउल्स पे चलते हैं। अब हम चलते हैं स्लाइम माउल्स में। स्लाइम माउल्स में ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता, ऐसा इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बस एक ही चीज आपको मेनली याद रखनी है, एक ही चीज है कि ये सूटेबल कंडीशन के अंदर प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन करेंगे और अनसूटेबल कंडीशन में स्पोर्स की फॉर्मेशन करेंगे। इसको भी वैसे याद नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली अपना याद हो जाएगा। देखो, जब भी स्पोर की फॉर्मेशन होती है ना, स्पोर की मतलब ये याद करके चलो कि स्पोर एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होती है, तो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर हम कब बनाएंगे, सिंपल सी बात है, अनसूटेबल कंडीशन में, तो सूटेबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, यहां पे एक बहुत अच्छा यही क्वेश्चन एक बनता है कि सूटेबल कंडीशन के अंदर स्लाइम मोल्ड क्या बनाएंगे, प्लाज्मोडियम बनाएंगे, और अनसूटेबल कंडीशन में ये स्पोर्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एक बार ये पॉइंट याद रख लेना कि सेप्रोफिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, इसको भी याद नहीं रखना, इसकी ट्रिक बताता हूं। S4 स्लाइम माउल्ड, S4 सेप्रोफिटिक, S4 स्लाइम माउल्ड, S4 सेप्रोफिटिक, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कौन से हैं, तो आंसर जाएगा स्लाइम माउल्ड। ठीक है, और ये इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, हमने क्या बोला कि स्पोर जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, तो स्पोर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, तो सिंपल सी बात है उसके पास वॉल्स प्रेजेंट होगी, उसके पास दीवारें प्रेजेंट होगी, है ना, क्योंकि प्रोटेक्शन चाहिए, है ना, और वो क्या होगा, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होगा, इसीलिए तो हमने स्पोर बनाया है ताकि वो रेजिस्टेंट हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, और डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, मतलब हवा जब चलेगी तो वो इधर से उधर डिस्पर्स स्पोर जो है अपने होते रहेंगे। ठीक है, अब क्या है, अपना स्लाइम मोल्ड भी कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, प्रोटोजोन्स की तरफ। प्रोटोजोन की थोड़ी अलग से मैंने चार्ट बनाया एक तरीके से, उसके थ्रू हम इसको खत्म करेंगे। अब हम करने वाले हैं प्रोटोजोन्स। देखो, जो भी आपकी एनसीईआरटी में प्रोटोजोन्स के बारे में दिया हुआ है वो यहां पे पूरा कॉपी पेस्ट हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले प्रोटोजोन के इंट्रोडक्शन में तीन ही पॉइंट है कि प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, और हेटरोट्रॉफिक होंगे तो या तो प्रीडेटर होंगे या पैरासाइट होंगे। ठीक है, अब प्रोटोजोन्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रोटोजोन्स आर द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, ये चार टाइप के हैं प्रोटोजोन, एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन। सबसे पहले एमीबॉइड, देखो एमीबॉइड में प्रीडेटर होता है अमीबा। अमीबा प्रीडेटर क्यों है, तो क्योंकि ये क्या करता है, ये स्यूडोपोडिया का यूज करता है, मतलब फॉल्स फूड, एक तरह से अपने शिकार को कैप्चर करने के लिए स्यूडोपोडिया का यूज करता है। और एक पैरासिटिक का एग्जांपल दिया हुआ है एंट अमीबा, है ना, उसमें खाली ये लिखा हुआ है कि एक पैरासिटिक होता है एंट अमीबा, बस खत्म। ठीक है, अब एक एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि सिलिका शेल्स ऑन सरफेस, इनके सरफेस पे सिलिका की शेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड नाम से ही पता लग रहा है कि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, सिंपल सी बात है। और इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है ट्रिपैनोसोमा, और ट्रिपैनोसोमा कौन सी डिजीज कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। इतनी बात क्लियर है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट है सिलिएटेड, अब सिलिएटेड जो होते हैं वो एक्टिवली मूविंग होते हैं, तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इनमें सीलिया प्रेजेंट होगी, तो ये सीलिया की हेल्प से क्या करेंगे, एक्टिव मूवमेंट करेंगे। ठीक है, अब इनमें एक कैविटी होती है, हैव कैविटी, इनमें एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं गलट, बोलते हैं जिसको गलट बोलते हैं। ठीक है, अब ये सीलिया की हेल्प से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करेंगे, तो क्या होगा, जो वाटर है वो इस कैविटी यानी गलट में भर जाएगा, है ना, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और इसका एग्जांपल पैरामीशियम। क्लियर बात है। अब स्पोरोजोन, स्पोरोजोन के बारे में सिंपल सी बात है, प्लाज्मोडियम इसमें होता है, और प्लाज्मोडियम तो हमें पता ही है क्या है, मलेरियल पैरासाइट होता है, मलेरिया कॉज करता है। क्लियर है। अब देखो, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, ठीक है, पूरी एनसीईआरटी को ही कवर करेंगे, एक एक डायग्राम सब कुछ करेंगे। ठीक है, देखो ए है डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये है डाइनोफ्लैजिलेट्स, इसको हमने कैसे पहचाना, देखो सेल वॉल क्या सी होती थी इनमें, स्टिफ सेलुलोज प्लेट, तो ये दिख रही है ना सेल वॉल कैसी दिख रही है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट दिख रही है, और फ्लैजिला भी दिख रही है, तो ये अपने को पहचान में आ जाएगा। बी है युग्लिना, ये है युग्लिना, इसको कैसे पहचाना, देखो दो फ्लैजिला होती है, एक छोटी होती है और एक लंबी, एक लॉन्ग फ्लैजिला एक शॉर्ट फ्लैजिला। क्लियर है। नेक्स्ट है स्लाइम माउल्ड, इसको कैसे पहचानेंगे, देखो स्लाइमी,
स्लाइमी क्या होता है, जैसे कीचड़ जैसा है ना, पानी जैसा, कीचड़ जैसा, तो इसमें पानी सा भरा है, इसको ऐसे पहचान लेना कि इसमें स्लाइमी सा है, तो ये हो गया स्लाइम माउथ्स। नेक्स्ट है पैरामीशियम, जो हम प्रोटोजोन में आगे करने वाले हैं, पर फिर भी इसमें बता देता हूं मैं, ये सिलिएटेड के अंडर आता है, तो ये कैसे पहचाना जाएगा, देखो कि ये इसके चारों तरफ कितनी ये सिलिया 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 बनी हुई है, तो पैरामीशियम को पहचान लेंगे हम सिलिया के बेस पे। तो स्टार्ट करते हैं फंजाई के साथ, जो जो एनसीईआरटी में जैसे जैसे दिया हुआ है उसी को कॉपी पेस्ट करूंगा और बिल्कुल एक एक वर्ड हम साथ में याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फंजाई आर फिलामेंटस, पहले इसके मतलब को समझते हैं कि एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है कि मोस्टली फंजाई आर फिलामेंटस एक्सेप्ट यीस्ट, ये भी मैं आपको बताऊंगा एक्सेप्शन कैसे है। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि पांच सेल हैं, तो पांच सेल या तो ऐसे अरेंज हो, गुच्छे में अरेंज हो, या पांच सेल ऐसे लंबाई में अरेंज हो, तो अगर सेल्स ऐसे लंबाई में अरेंज होती हैं इसी को बोलते हैं हम फिलामेंटस फॉर्म, तो फंजाई एक तरीके से फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना। अब यहां पे बात की गई है कि एक्सेप्ट यीस्ट, ये क्यों हुआ, क्योंकि सिंपल सी बात है, यीस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर फंजाई होती है। देखो फंजाई वैसे कहां पे आएगी, वैसे यूकेरियोट में आएगी और ये मल्टी सेलुलर होती है, बट जो यीस्ट होती है ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक ही सेल होगी, तो अगर एक ही सेल है तो सीधी सी बात है वो फिलामेंटस हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक ही सेल है, तो ये सिंपल सी बात अपने को समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि फंजाई की जो बॉडी होती है, फंजाई की बॉडी होती है कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, और हाइफी के नेटवर्क को हम बोलते हैं माइसीलियम, इसको भी हम बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। देखो ये एक तरीके से क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो एक तरीके से एक नेटवर्क बना रही है, तो यहां पे क्या बोला, बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, तो जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये अपनी क्या है, हाइफी है, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि हाइफी जो एक नेटवर्क बना रही है उसको बोल दिया माइसीलियम, ठीक है। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनको हमने बोला हाइफी, वो एक नेटवर्क बना रही है और उस नेटवर्क को बोला माइसीलियम, मतलब क्या है, सीधा सीधा शब्दों में बोले तो माइसीलियम, माइसीलियम इज द नेटवर्क ऑफ हाइफी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और फंजाई कुछ ऐसे ही अरेंज होती है, ये फंजाई की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अब हमने बात की थी फंजाई कैसी होती है, फिलामेंटस होती है, फंजाई जो होती है कैसी होती है, फिलामेंटस होती है। अब फिलामेंटस में भी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हर सेल, या तो जैसे मैंने इसमें दिखाया है हर सेल कैसी होगी, डिवाइडेड होगी, हर सेल कैसी होगी, बिल्कुल डिवाइडेड होगी, और हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि इनके बीच में जो ये दीवार है, ये दीवारें टूट जाएंगी और कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी, मतलब क्या है, इसी में सारे न्यूक्लियस यहां पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस यहां पे प्रेजेंट है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। तो जो माइसीलियम भी है अपने पास, जो ये बना था एक तरीके से, ये माइसीलियम बना था, ये दो तरीके से हो सकता है, या तो सेप्टेट हो सकता है ना, नाम से ही पता लग रहा है, सेप्टेट मतलब सेप्टा इसमें प्रेजेंट है, इसमें सेप्टा प्रेजेंट है यानी सेप्टेट, और सिनोसिटिक मतलब वहीं पे सारे न्यूक्लियस है ना, एक तरीके से बीच की दीवारें टूट गई और उसी में सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसकी दो अरेंजमेंट हो सकती है। इतनी बातें इसमें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल यहां पे क्लियर है, फिलामेंटस वाला अपना क्लियर है, यीस्ट वाला क्लियर है, यूनिसेलुलर, हाइफी बिल्कुल क्लियर है, माइसीलियम बिल्कुल क्लियर है। अब माइसीलियम की दो तरीके से अरेंजमेंट हो सकती है, सिनोसिटिक या सेप्टेट। देखो आगे जाके कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाना है कि हाइफी की दो अरेंजमेंट तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और माइसीलियम की अरेंजमेंट पूछ ली जाए तो भी ये हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी को ही पूरे तरीके से फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कुछ टर्म है जो एनसीईआरटी में दिए हैं जो बार बार कंफ्यूज करेगी, इनको हम बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, इनको समझते हुए बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्लाज्मोगैमी, करियोगैमी, डायकरियोन, डायकरियोन,
करियो फेज। ठीक है, सबसे पहले जो बिल्कुल आसान वाले हैं वो देख लेते हैं। देखो करियो मतलब होता है न्यूक्लियस और गैमी एक तरीके से फ्यूजन। ठीक है, करियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई और गैमी मतलब फ्यूजन, मतलब न्यूक्लियाई का, दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन को बोल देंगे करियोगैमी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है डायकरियोन। देखो डाय का मतलब दो, करियो का मतलब न्यूक्लियस, मतलब अगर एक सेल के पास दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। देखो नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, एक सेल के पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट एक सेल के पास दो न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट हो तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, डायकरियोन। डाय मतलब दो, करियो मतलब न्यूक्लियस, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है डायकरियोफेज। देखो डाय मतलब दो, करियो मतलब न्यूक्लियस, फेज मतलब फेज, मतलब ये डायकरियोन जो कंडीशन है, मतलब दो न्यूक्लियस वाली कंडीशन है, जिस फेज में प्रेजेंट होगी उसी को बोल देंगे क्या, डायकरियोफेज। बिल्कुल नाम से ही हो रहा है। ठीक है, ये देखो अब ये देखते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी देखो सिंपल सी बात है, दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट्स के प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन को, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट्स के प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो फंजाई कितने टाइप की होती है उसको देखेंगे, और जो पहले बेसिक कन्फ्यूजन है ना, जहाँ पे मैक्सिमम कन्फ्यूजन होती है और जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है और जहाँ पे क्वेश्चन गलत होता है अपना, कि माइसीलियम किस में कैसी होगी, पहली कन्फ्यूजन, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। दूसरी कन्फ्यूजन है कि किस में स्पोर्स कैसे होते हैं, ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है इसकी फंजाई की, सेक्सुअल स्पोर किस में कैसे होंगे, ए सेक्सुअल किस में होंगे, है ना, एक्सोजिनसली कौन से, एंडोजिनसली कौन से, तो इनको मैं बिल्कुल अलग तरीके से इनकी कन्फ्यूजन से आपको निकाल दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फंजाई कितने टाइप की होती है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। मैं फिर से रिपीट करता हूं, फंजाई अपने चार टाइप की इधर पढ़नी है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो पहली कंफ्यूजन है कि किसमें माइसीलियम कैसा होता है। ठीक है, माइसीलियम अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हमने ये देखा था, या तो माइसीलियम ऐसा हो सकता है या माइसीलियम ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, और इसके साथ में लिखा हुआ है सिनोसिटिक एंड एसेप्टेट। अब आपको बोलना चाहिए कि तूने सिनोसिटिक तो बता दिया बट एसेप्टेट क्या होता है। अब एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि सेप्टेट तो तूने बता दिया पर ब्रांच्ड क्या होता है। देखो ये कुछ सिमिलर है, कॉमन सेंस अगर हम लगाएंगे तो बिल्कुल सिमिलर ही चीजें हैं, कि सेप्टेट में क्या है, चीजें ब्रांच्ड हैं, है ना, ब्रांच्ड हैं चीजें, ब्रांच बनी हुई है अलग अलग, और सिनोसिटिक में क्या है, एसेप्टेट कंडीशन है। देखो सीधी सी बात है, इधर अगर सेप्टेट कंडीशन है तो इधर कैसी है, एसेप्टेट। तो ये दो चीजें साथ में चलेंगी, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, सेप्टेट एंड ब्रांच। ठीक है, अब सिंपल सी यहां पे आपको एक ट्रिक बताऊंगा, सिंपल सी यहां पे आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसी से आपका पूरा कवर हो जाएगा। देखो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि फाइकोमाइसिटीज जो है वो बाकी तीनों से अलग है, जो पहली है वो बाकी तीनों से अलग है, है ना। इसको भी थोड़ा ऐसे रिमाइंड कर लेना कि जो फिजिक्स है, देखो इसमें फिजिक्स आ रहा है ना, जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो बाकी सब्जेक्ट से अलग ही होती है, क्योंकि मुश्किल सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री सब कर लेते हैं, ये क्या है, एक तरीके से मुश्किल सब्जेक्ट है, तो ये बाकियों से अलग है। ये चीज अगर आपको याद हो जाती है तो माइसीलियम आपका ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, अब देखो सिंपल है, बी को पकड़ लो, सिंपल है बी को पकड़ लो, बी फॉर बेसिडियोमाइसिटीज, बी फॉर ब्रांच्ड, बी फॉर बेसिडियोमाइसिटीज, बी फॉर ब्रांच्ड, मतलब बाकियों में कैसी है, ब्रांच्ड है, और ब्रांच्ड के साथ ही सेप्टेट तो अपना ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, और फिजिक्स वाला हम ऑलरेडी अलग निकाल चुके थे, मतलब ये है अलग मतलब इसमें होंगी बिल्कुल इनके ऑपोजिट, इनमें सेप्टेट थी तो इनमें एसेप्टेट हो जाएंगी, है ना, सिनोसिटिक हो जाएंगी, तो इसका याद हो गया, बी वाला याद हो गया, तो इन तीनों में बिल्कुल सेम हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली अपना याद हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम स्पोर्स पे, कि किसमें सेक्सुअल स्पोर कौन से होते हैं, ए सेक्सुअल किसमें होते हैं, सेक्सुअल किसमें नहीं होते, ए सेक्सुअल किसमें नहीं होते। ठीक है, वैसे ये इसका चार्ट बनता है, ये इसका चार्ट बनता है, पर मैं आपको इसकी एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, मैं आपको इसकी एक सिंपल सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अब देखो जो स्पोर्स वाली कन्फ्यूजन है ना, वो फंजाई वाली अपनी सबसे बेकार कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, और ये ट्रिक अगर आप लगाओगे तो आपको स्पोर्ट्स में बिल्कुल मजा आ जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, देखो आपको कुछ नहीं करना, बस एसी में बैठ के फिजिक्स की डीसी पांडे पढ़नी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं एक बार, आपको कुछ नहीं करना, बस
एसी में बैठ के फिजिक्स की डीसी पांडे पढ़नी है। फिजिक्स में हम क्या कर रहे हैं, पी और एस का सिर्फ यूज कर रहे हैं, बीच में अपना ये स्मॉल है, ठीक है, बाकी कैपिटल है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, देखो बस, बस यानी बी से, देखो अपने आप ही सब कुछ बन जाएगा, बी से बेसिडियोस्पोर, ए से एस्कोस्पोर, एस से सेक्सुअल, तो ये तो अपनी सेक्सुअल स्पोर की कंफ्यूजन यहां पे उड़ गई, खत्म हो गई। मतलब सेक्सुअल स्पोर कौन से हैं, बेसिडियोस्पोर है एंड एस्कोस्पोर है, ये सेक्सुअल वाली बात अपनी खत्म है। अब ये जो भी अपने बचे, ये कौन से बच गए, सारे एसेक्सुअल बच गए, ठीक है, एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल किस में कौन से होंगे ये हम देख लेते हैं। एस्कोमाइसिटीज में कौन से होंगे, कोनिडिया। फाइकोमाइसिटीज में होंगे कौन से, स्पोरेंजियोस्पोर। अब स्पोरेंजियोस्पोर में भी दो टाइप के होते हैं, मोटाइल हुए तो ज़ूस्पोर और नॉन मोटाइल होंगे एप्लानोस्पोर, ठीक है। और डीसी यानी ड्यूटेरोमाइसिटीज में कौन से होंगे, कोनिडिया, ठीक है। बिल्कुल क्लियर करते हुए चल रहे हैं हम, एक बार फिर से करेंगे। बस एसी में बैठ के फिजिक्स की डीसी पांडे पढ़नी है, बी से बेसिडियोस्पोर, ए से एस्कोस्पोर, एस से हो गया सेक्सुअल। मतलब सेक्सुअल स्पोर सिर्फ दो ही होते हैं, कौन से, बेसिडियोस्पोर होते हैं और एस्कोस्पोर होते हैं, इनके अलावा जो भी स्पोर हैं सारे कौन से हैं, एसेक्सुअल स्पोर हैं। तो सेक्सुअल वाली बात तो अपनी इस डब्बे में खत्म हो गई, बाकी जो भी बचे सारे एसेक्सुअल बच गए। अब इसमें कौन से किस में कैसे कैसे होंगे, एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया होंगे और फाइकोमाइसिटीज, देखो ये पी से फाइकोमाइसिटीज, एस से स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर मोटाइल होंगे तो ज़ूस्पोर, नॉन मोटाइल होंगे तो एप्लानोस्पोर। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में कौन से होंगे, सी से कोनिडिया, डी से ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज में होंगे कौन से होंगे, कोनिडिया होंगे। अब ये तो ऑटोमेटिकली हो गया कि ये डब्बा अपना एसेक्सुअल का था, तो कोनिडिया है अपने एसेक्सुअल, स्पोरेंजियोस्पोर है अपने एसेक्सुअल, स्पोरेंजियोस्पोर अगर एसेक्सुअल है तो ज़ूस्पोर भी एसेक्सुअल है, एप्लानोस्पोर भी एसेक्सुअल है, और बेसिडियोस्पोर एंड एस्कोस्पोर ऑटोमेटिकली अपने हैं सेक्सुअल स्पोर। तो ये थी अपनी ट्रिक। तो इस सिंपल सी ट्रिक की हेल्प से हमने इन स्पोर्ट्स को सबको याद कर लिया कि सेक्सुअल किस में कौन से होंगे, ए सेक्सुअल किस में कौन से होंगे, ये अपनी सिंपल सी ट्रिक थी, ठीक है। अब एक बहुत अच्छी कन्फ्यूजन आती है कि एक्सोजीनसली कौन से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और एंडोजीनसली कौन से होते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, कि जो कोनिडियोस्पोर होते हैं एंड बेसिडियोस्पोर होते हैं, मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ कि कोनिडियोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर जो होते हैं वो एक्सो जीनस होते हैं, बाकी के सारे जितने भी बचे उनको कहां डाल दो, उनको पटक दो एंडोजीनस में। मैं इस बात को एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि जो कोनिडियोस्पोर होते हैं एंड बेसिडियोस्पोर होते हैं वो आएंगे एक्सोजीनस में, और बाकी के सारे जो भी बचे उनको कहां पटक दो, एंडोजीनस में, ठीक है। तो जो जहां से क्वेश्चन मेन बनता है ना, जो कंफ्यूजन थी वो पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब सिर्फ बचा है थ्योरेटिकल वाला पार्ट, सिंपली याद करने वाला पार्ट बचा है ना। अब उसको हम बारी बारी से देख लेते हैं कि इसमें मोटा मोटा क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, और सिंपल इनके एग्जांपल्स को याद करना है, बाकी सब खत्म हो चुके हैं ना। अब कॉमन सी चीजें बची हैं, जैसे फाइकोमाइसिटीज कहां होती है, एक्वेटिक हैबिटेट, डिकेइंग वुड, डैम्प प्लेस, पैरासाइट हो सकती है ना, ये सिंपल सी चीजें बची हैं ना। और एग्जांपल कैसे याद करते हैं, इसकी वही ट्रिक चलती है, राम वाली चलती है, आर ए एम, आर से राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो, एम से म्यूकर हो जाएगी। जो राइजोपस है वो ब्रेड माउल्ड है, एल्ब्यूगो है पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड, ठीक है। अब इसमें मैं आपको क्वेश्चन लायक बात बता दूं, कहां पे क्वेश्चन गलत होगा, कि राइजोपस जो है वो ब्रेड माउल्ड है और एल्ब्यूगो जो है पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड है, ये यहां पे याद करने लायक बात है। एग्जांपल लगभग सभी याद कर लेते हैं, इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं, तो ये दो क्वेश्चन बनेंगे, ब्रेड माउल्ड कौन सी, राइजोपस, पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड कौन, एल्ब्यूगो, ठीक है। अब फाइकोमाइसिटिस के बाद हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है इसमें, बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है, कि सैक फंजाई किसको बोलते हैं, सैक फंजाई, मैं इसको स्केच से लिख लेता हूं, पेंसिल से थोड़ा कम दिख रहा है, सैक फंजाई किसको बोलते हैं, इसकी भी एक सिंपल सी ट्रिक है। देखो एस ए सी, और यहां पे क्या आ रहा है, एस ए सी, यहां पे हर चीज अपने आप ही खुद को बता देगी कि सैक फंजाई किसको, एस्कोमाइसिटीज को बोलते हैं, ठीक है। फिर से वही है, इसमें अब क्वेश्चन लायक बात ढूंढेंगे, क्वेश्चन लायक बात, ठीक है। देखो यहां पे सेप्रोफिटिक होती है, डीकंपोजर, पैरासिटिक, कोप्रोफिलस, इसमें याद रख लेना, क्वेश्चन आता है
जाता है अगर कोप्रोफिलस फंजाई तो एस्कोमाइसिटी, तो ये तो कॉमन सी बात ही। अब देखो मोस्टली मल्टी सेलुलर और रेयरली यूनिसेलुलर, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये ऑलरेडी हम पार्ट कर चुके हैं कि जो यीस्ट होती है, जो यीस्ट होती है वो कैसी होती है, वो यूनिसेलुलर होती है, इसीलिए वो फिलामेंटस नहीं होती। वो तो यही पॉइंट था यहाँ पे, और बाकी की सारी फंजाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, मल्टी सेलुलर हो जाएंगी, ठीक है। और क्या है इसके, अब इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, कौन से हैं, एस्परगिलस है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है, मोरल्स एंड बफल्स है, ठीक है। अब ये थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे कॉमन सेंस कि पेनिसिलियम यीस्ट ये भी किस में आ रहे हैं, एस्कोमाइसिटीज में आ रहे हैं, है ना, ये भी ध्यान रखना। तो इसके टोटल एग्जाम्पल क्या हो गए, पेनिसिलियम यीस्ट, एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स एंड बफल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने लायक बात बताता हूँ, 20 स्टार लगा लेना, 30 स्टार लगा लेना। जो न्यूरोस्पोरा है वो जेनेटिक वर्क में यूज होती है, न्यूरोस्पोरा जो है वो जेनेटिक वर्क में यूज होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे ट्रिक लगा लेना, ट्रिक बाजी थोड़ा लगा लिया करो, ऐसे नहीं बोल रहा कि ट्रिक याद करनी है, वो ऑटोमेटिकली आपको हिट कर जाएगी। देखो इसमें वर्ड आ रहा है न्यूरो, ऐसे याद रख लेना कि नर्वस सिस्टम के रिलेटेड कोई जेनेटिक डिसीज है, नर्वस सिस्टम के रिलेटेड कोई जेनेटिक डिसीज है। अब आपको अपने आप ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएगा कि न्यूरोस्पोरा किसमें थी, जेनेटिक वर्क में थी, ठीक बात है, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, मोरल्स एंड बफल्स क्या है, एडिबल्स हैं। इसको भी एक थोड़ा सा मैं क्लिक करने का मेथड बता देता हूं। देखो बर्गर खाते हैं सब, बर्गर खाते हैं तो मोर एंड मोर बर्गर चाहिए, सबको मोर एंड मोर बर्गर चाहिए खाने के लिए। तो मोर बर्गर यानी मोरल्स एंड बफल्स किसमें आएंगे, एडिबल, एडिबल मतलब खाने की चीज, मतलब बर्गर होता है, सिंपल सी चीज है। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं किस पे, बेसिडियोमाइसिटीज पे, बेसिडियोमाइसिटीज पे। बेसिडियोमाइसिटीज का दूसरा नाम है ब्रैकेट फंजाई, दूसरा नाम है ब्रैकेट फंजाई, बी फॉर बेसिडियोमाइसिटीज। साथ के साथ मैं आपको ट्रिक बाजी फंडाबाजी बताता चलूंगा, ठीक है। बी फॉर बेसिडियोमाइसिटीज और बी फॉर ब्रैकेट फंजाई, क्लियर बात है। और इसको पफ बोल्स भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और यहां पे एसेक्सुअल स्पोर जनरली अब्सेंट, इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम अपनी स्पोर वाली ट्रिक में इसको कर चुके हैं। सेक्स ऑर्गन इसमें अब्सेंट होते, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे 5 स्टार लगा लेना। और एक और यहां पे 5 स्टार लगाने की बात है कि जब हम प्लाज्मोगैमी की बार बार बात करेंगे ना, प्लाज्मोगैमी को स्पेसिफाई करके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आंसर बेसिडियोमाइसिटीज जाना चाहिए। और प्लाज्मोगैमी क्या होती है ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कहां पे देख चुके हैं, जहां पे हमने अपनी टर्म की थी, प्लाज्मोगैमी हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्या होती है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स की सिंपल सी ट्रिक है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पक्सिनिया एगेरिकस एस्टिलागो, ठीक है। अब यहां पे ये याद करना पड़ेगा आपको कि एगेरिकस में मशरूम, एस्टिलागो में स्मट, पक्सिनिया में रस्ट। ये चीजें मैं आपको याद दिला दूं कि ये आपको कंफ्यूज करेंगे, कैसे, जैसे राइजोपस क्या थी, ब्रेड माउल्ड थी, एल्बिगो क्या थी, पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड थी, ठीक है, न्यूरोस्पोर क्या थी, जेनेटिक वर्क थी, मोरल्स एंड बफल्स एडिबल थी, है ना, एगेरिकस मशरूम, एस्टिलागो स्मट, पक्सिनिया रस्ट। यही याद करने वाली बात है, एग्जाम्पल तो सभी याद कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी बात ये है, इसको थोड़ा आपको पक्का करना है इस चीज को, ठीक है। अब सबसे लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज का जो सबसे सुपर हिट क्वेश्चन है वो है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल फेज होता है वो अननोन होता है, मतलब सेक्सुअल फेज का खास पता नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल फेज इज नोन है। अब सेक्सुअल फेज ही नहीं है, सेक्सुअल फेज ही नहीं है, मतलब ये परफेक्ट फंजाई नहीं है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोल रहे हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स को याद करने की वही यही ट्रिक चलती है, कैट, है ना, कैट कर लेना, CAT कैट, यही सबसे आसान पड़ती है, CAT कलेक्ट्रोटाइकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा, ठीक है। यहां पे फिर भी कंफ्यूजन होना तो एक चीज याद रखना कि तीनों में, कलेक्ट्रोटाइकम में, अल्टरनेरिया में एंड ट्राइकोडर्मा में, तीनों में टी जरूर आ रहा है, टी तीनों वर्ड में आ रहा है। और ये चीज, टी वाली चीज आपको हेल्प करेगी, ये आपको पता लग जाएगा जब आप क्वेश्चन करोगे, पक्का ये हेल्प करेगी, ठीक है। अब देखो एक और छोटी सी कन्फ्यूजन होती है रिप्रोडक्शन के रिलेटेड, जो NCERT में भी मेंशन की गई है, ठीक है। देखो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल साधारण कंडीशन में क्या होगा, ये हैप्लोइड हाइफी है और ये दूसरी हैप्लोइड हाइफी है, हैप्लोइड हैप्लोइड का जब मिलन होगा तो क्या बन जाएगी, डिप्लोइड बन जाएगी, अपनी फंजाई आगे बन जाएगी,
ठीक है, ये तो है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन। बट एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्या होता है, एस्को एंड बेसिडियो के अंदर क्या होता है कि इमीडिएटली मतलब अचानक ये डिप्लोइड नहीं बनती। देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ था, क्या होना चाहिए था, ये हैप्लोइड और ये बन जाना चाहिए था, बट इसमें अचानक ये नहीं बनता, बीच में एक ब्रेकर आ जाता है, मतलब ये दोनों आपस में फ्यूज की और एक ऐसी सेल बन जाती है, जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक इसका एक इसका। ठीक है, अब मेरी एक बात याद करो, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो क्या बोलते हैं, डायकैरियोन बोलते हैं। डाय मतलब दो, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, है ना। ये डायकैरियो फेज यहां पे देखने को मिल रहा है किसमें, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में, और फिर इसके आगे फर्दर क्या है, उसी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लाइकन, ठीक है, इसके बाद चैप्टर अपना खत्म। देखो लाइकन एक तरीके का गठबंधन है, और किसके बीच में है, एल्गी एंड फंजाई के बीच में। ठीक है, अब क्यों हुआ इसको थोड़ा देख लेते हैं, क्यों हुआ, इससे क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, देखो एल्गी जो है एक प्लांट है, मतलब वो ऑटोट्रॉफिक है, मतलब अपना खाना खुद बना सकती है, और फंजाई क्या होती है, हेटरोट्रोफिक होती है, मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकती, दूसरों पे डिपेंड करेगी। तो सिंपल सी बात है, फंजाई एल्गी से क्या ले लेगी, फूड ले लेगी, क्योंकि ये खाना बना रही है, ये नहीं बना सकती। फंजाई क्या करेगी, एल्गी से फूड ले लेगी, और ये जो प्लांट है, जो एल्गी है, ये फंजाई से क्या लेगा, ये उससे शेल्टर लेगा, मिनरल्स लेगा, वाटर लेगा, है ना। ये क्या है, मिनरल्स और वाटर का अब्सॉर्प्शन करेगी और प्लांट को प्रोवाइड कराते रहेगी, और बदले में वो उसको फूड देता रहेगा। ये सिंपल सी बात है। और एक लाइकन के बारे में बहुत अच्छा पॉइंट याद रखना कि जो लाइकन होता है वो पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाली जगह पे लाइकन नहीं पाया जाएगा, बहुत ज़्यादा जहाँ पे पोल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और एक ये याद रखना कि जो एल्गी होता है ना वो लाइकन में फाइकोबायोंट होता है, और जो फंजाई होता है वो माइकोबायोंट होता है। जो एल्गी है वो फाइकोबायोंट, जो फंजाई है माइकोबायोंट, इसमें भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। देखो फंजाई किससे मिलके बनी थी, देखो हमने किया था ना, किससे, माइसीलियम से बनी है, माइसीलियम। तो जहां भी माइको वर्ड आ जाए ना, जहां भी माइको वर्ड आ जाए, मतलब वो फंजाई के रिलेटेड है। सिंपल सी बात है, क्लियर है। हम स्टार्ट करने वाले हैं किसके साथ, वायरस के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करेंगे, बिल्कुल अटेंशन मत लो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वायरस कैसा है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वायरस क्या है, एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब इसका हम मतलब समझते हैं, पर इसका मतलब समझने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि वायरस क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, मतलब वो अकेला जिंदा नहीं रह सकता, उसे पैरासाइट हर हालत में होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखो ये हमारे पास मान लो कोरोना वायरस है, ये हमारे पास कोरोना वायरस है, और ये एक ह्यूमन सेल है, और ये कोरोना वायरस इस ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये अपना गुजारा करने के लिए इस पर डिपेंड कर रहा है। कैसे कर रहा है वो आगे हम देखेंगे, है ना। मतलब क्या है, सीधा सीधा कि वायरस होस्ट सेल के लिए, होस्ट सेल हमने क्या लिया, ह्यूमन सेल ली है, इसके लिए क्या है, एक तरीके का पैरासाइट है। और वायरस कैसा होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब हमेशा ही दूसरों पे डिपेंड करेगा, हमेशा ही अपने जीवन के लिए दूसरों पे डिपेंड करेगा ही करेगा। क्यों करेगा, उसका रीजन भी हमने ऑलरेडी लिख दिया कि वायरस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नॉन सेलुलर का मतलब है, देखो अगर ये एक नॉर्मल ह्यूमन सेल है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, न्यूक्लियस, मतलब इसके पास सारी वो मशीनरी है जिससे ये खुद को रेप्लिकेट कर सके। आपने देखा ना डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इससे तो आगे चलती है सारी चीजें। तो इसके अंदर सारी वो मशीनरी है जिससे ये खुद को रेप्लिकेट कर सके। बट वायरस क्या है, नॉन सेलुलर है, मतलब इसके पास वो मशीन अब्सेंट है जिससे ये खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। तो ये क्या करेगा, ये किसी को इन्फेक्ट कर देगा और उसकी मशीनरी को टेक ओवर कर ले।
रहेगा, है ना। इसने इसको इन्फेक्ट किया और इसकी जो रेप्लिकेशन वाली मशीन थी उसको टेक ओवर कर लिया और खुद को ये रेप्लिकेट करने लग गया, खुद को ये रेप्लिकेट करने लग गया, अपनी कॉपीज मल्टीपल कॉपीज बनाने लग गया और होस्ट को नुकसान पहुंचाने लग गया, स्टार्ट किलिंग द होस्ट, ठीक है, टेक्स ओवर मशीनरी ऑफ होस्ट, रेप्लिकेट देमसेल्व एंड स्टार्ट किलिंग द होस्ट। तो ये सारी चीजें लिखी हुई। अब ये बात हम करें कि वायरस लिविंग होता है या डेड होता है, तो सिंपल सी बात है, अगर वायरस होस्ट सेल से बाहर रहेगा तो इसके पास रेप्लिकेशन की मशीन अब्सेंट है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं ये डेड है, ये लिविंग नहीं है, ये जिंदा नहीं है, क्योंकि ये रेप्लिकेट कर ही नहीं सकता। बट अगर ये होस्ट के अंदर आ जाता है तो इसकी मशीनरी को टेक ओवर कर लेगा, रेप्लिकेट भी करेगा और एक तरीके से बोल सकते हैं कि इनसाइड होस्ट ये जिंदा हो गया, ठीक है। आउटसाइड होस्ट इसको हम बोलेंगे डेड और इनसाइड होस्ट इसको बोलेंगे लाइव, है ना, होस्ट के बाहर मरा हुआ और होस्ट के अंदर ये जिंदा है, ठीक है। तो ये कुछ एनसीईआरटी, अपनी एनसीईआरटी भी इसमें ऑटोमेटिकली अपनी कवर हो रही है ऑटोमेटिकली। अब नेक्स्ट देखो, वायरस किससे मिलके बना होता है, है ना, वायरस आखिर में बना कैसे है, तो मैं एक वर्ड बोलने जा रहा हूं यहां पे कि वायरस क्या है। वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। मैं वायरस के लिए एक वर्ड बोलने जा रहा हूं कि वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मतलब प्रोटीन। मैं फिर से इस चीज को रिपीट करता हूं कि वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, मतलब वायरस मेड अप ऑफ किससे मिलके बना है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलके बना है, हाँ। और इस चीज को हम प्रूफ भी कर देते हैं कि इन दोनों का काम क्या होता है, उससे आपको प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। देखो, वायरस का काम क्या होता है, हमने अभी देखा था कि वायरस का काम क्या होता है, किसी दूसरी सेल को इन्फेक्ट करना, किसी दूसरी सेल को इन्फेक्ट करना। तो एक तो वायरस का काम हो गया इन्फेक्शन और दूसरा काम क्या होगा कि वायरस खुद की प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। तो वायरस के हमने यहां पे दो काम देखे कि एक तो खुद की प्रोटेक्शन करेगा और दूसरा किसी दूसरी सेल को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो इन्फेक्शन में काम आएगा वो होगा न्यूक्लिक एसिड और जो प्रोटेक्शन में काम आएगा वो होगा प्रोटीन, ठीक है। इन्फेक्शन में काम आएगा, जाहिर सी बात है, किसी को इन्फेक्ट करेगा तो वहां पर रेप्लीकेट करना है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, आरएनए या डीएनए, इसी का यूज करेगा। और प्रोटीन एक तरीके से क्या है, प्रोटेक्शन के लिए यहां पर यूज होगा। फिर भी भूल जाते हो तो P4 प्रोटीन, P4 प्रोटेक्शन, है ना। वैसे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लिक एसिड आगे रेप्लिकेट करता है तो इसमें इंफेक्शन में कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब प्रोटीन वायरस के बाहर, देखो ये वायरस है, मान लो इसके फॉर एग्जांपल रफ डायग्राम बता रहा हूं कि इसके बाहर जो कोट होती है प्रोटीन की जो कोट होगी वायरस के बाहर, उसको हम बोलते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड किससे मिलकर बनी होती है, बहुत सारे कैप्सोमियर से, ठीक है। एक बार फिर से ये फ्लो को पकड़ो कि प्रोटीन की क्या है, कोट है, प्रोटीन कोट को हम बोल रहे हैं कैप्सिड और कैप्सिड मिलके बनी है किससे, कैप्सोमियर से। अब कैप्सोमियर की अरेंजमेंट दो तरीके से हो सकती है, हेलिकल भी हो सकती है और पॉलीहेड्रल भी हो सकती है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। कैप्सोमियर्स की अरेंजमेंट हेलिकल भी हो सकती है, जैसे कि किसमें होती है, टोबैको मोज़ेक वायरस में, और पॉलीहेड्रल भी हो सकती है, जैसे कि किसमें होती है, बैक्टीरियोफेज में होती है। यह पूरा फ्लो एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से करेंगे, पर एक एक चीज को साथ में याद करके जाएंगे, ठीक है। देखो ये वायरस है, मान लो इसके बाहर है क्या, प्रोटीन की कोट है, और प्रोटीन की कोट को हम बोल रहे हैं क्या, बोल रहे हैं कैप्सिड बोल रहे हैं, और कैप्सिड मान लो किससे मिलकर बनी है, कैप्सिड मान लो बहुत सारे कैप्सोमियर से मिलकर बनी है, ठीक है। और कैप्सोमियर की अरेंजमेंट दो तरीके से हो सकती है, हेलिकल भी हो सकती है और पॉलीहेड्रल भी हो सकती है। हेलिकल किसमें होती है, एग्जांपल क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस, और पॉलीहेड्रल किसमें, बैक्टीरियोफेज में होती है। इसको ऐसे याद रख लेना, अगर भूल जाए तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा यहां पे हिट कर जाएगा, ब्लड प्रेशर बीपी, ठीक है। अब देखो वायरस के बारे में एक सबसे ज़रूरी बात मैं जानबूझ के अलग से बता रहा हूँ, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो हमने बात की कि वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है ना, आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात है कि वायरस के अंदर, एक पर्टिकुलर वायरस के अंदर या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, मेरी बात पे ध्यान देना, या आरएनए होगा या डीएनए होगा, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि दोनों प्रेजेंट नहीं हो सकते,
सकते, दोनों नहीं हो सकते, या एप्पल होगा या बनाना होगा, बोथ बोथ एप्पल प्लस बनाना नहीं हो सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वायरस के बारे में। अब हम करने जा रहे हैं साइंटिस्ट रिलेटेड वायरस, है ना, जितने भी वायरस के रिलेटेड साइंटिस्ट दिए हैं वो हम एक साथ में कर लेते हैं। सबसे पहले नेमिंग ऑफ वायरस किसने की, देखो पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से, पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ था कि नेमिंग ऑफ वायरस पाश्चर ने की, ठीक है, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है नई एनसीईआरटी में, नेमिंग ऑफ वायरस दिमित्री इवानोस्की ने दी, तो यही याद रख लेना। नेक्स्ट है कंटेजियम वाइवम फ्लूडम, ये किसने बताया था, ये टर्म किसने यूज की थी, M.W. बिजरेन के, है ना। इसका मतलब क्या है, देखो कंटेजियम का मतलब नाम से ही पता लग रहा है, कंटेजियस मतलब इंफेक्शियस, वाइवम का मतलब लिविंग, फ्लूडम का मतलब फ्लूड, मतलब वायरस क्या है, एक इंफेक्शियस लिविंग फ्लूड है, ये सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था, W.M. Stanley ने, वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था, W.M. Stanley ने किया था, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब ये सिंपल सी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इनको हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो प्लांट वायरस क्या होते हैं, ऐसे वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। एनिमल वायरस क्या होते हैं, ऐसे वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जनरली जो प्लांट वायरस होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले होते हैं। देखो हमने बात की थी कि वायरस के अंदर या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, तो यहां पे बोला गया कि प्लांट को जो इन्फेक्ट करते हैं वायरस वो आरएनए वाले होते हैं, और आरएनए में भी कैसे, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और एनिमल वाले आरएनए वाले भी हो सकते हैं, डीएनए वाले भी हो सकते हैं, डीएनए वाले हमेशा कौन से, डबल स्टैंडर्ड, और आरएनए वाले सिंगल भी हो सकते हैं और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, और बैक्टीरियोफेज कैसे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले होंगे। इसको यार याद रख लेना, ये जरूरी है, इसको याद रख लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, आगे क्या बढ़ेंगे, वायरस पे, वायरोइड्स पे, प्रायोन्स पे। वायरस हम ऑलरेडी अपना फिनिश कर चुके हैं, अब आगे हमें बात करनी है वायरोइड्स के बारे में एंड प्रायोन्स के बारे में, ठीक है। हमने देखो बात की थी, मैंने एक वर्ड बार बार यूज किया था कि वायरस क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब उनमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है और उनमें प्रोटीन भी होते हैं। न्यूक्लिक एसिड तो हमने किया था ना, आरएनए होगा या डीएनए होगा, और देखो यहां पे एक मजे की बात है, इन दोनों को बस डिवाइड कर देना है कि वायरोइड्स में क्या होगा, ओनली न्यूक्लिक एसिड होगा, और प्रायोन्स में क्या होगा, ओनली प्रोटीन होगा। वायरस में दोनों होते हैं, वायरोइड में ओनली न्यूक्लिक एसिड और प्रायोन्स में ओनली प्रोटीन। इसकी ट्रिक भी सिंपल सी है, P4 prion P4 protein, प्रायोन में ओनली प्रोटीन होगा, वायरोइड में ऑटोमेटिकली, अब अपने को सारा ये याद हो गया, ठीक है। अब वायरस को हम फिनिश कर चुके हैं, अब बात करेंगे थोड़ी वायरोइड पे, फिर थोड़ी प्रायोन में, जो भी अपना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। वायरोइड्स पे बात करने जा रहे हैं, वायरोइड्स के बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है, ओनली न्यूक्लिक एसिड होता है, ओनली न्यूक्लिक एसिड होता है। अब यहां पे एक साइंटिस्ट का हमें नाम याद रखना है कि वायरोइड्स की डिस्कवरी किसने की, टी ओ डाइनर ने, है ना। थोड़ी सी इसका मैं ऐसे याद रखता हूं, देखो इसको डी से याद रख लेना, वायरोइड्स में डी एक हाईलाइटिंग लेटर है, तो डी से डी डाइनर याद आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे ये डिजीज कौन सी कोस करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है, ये डिजीज कोस करता है, ठीक है। अब यहां पे ये फिर से वो ये ओनली जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है, प्रोटीन अब्सेंट है, यही लाइन है ऑटोमेटिकली, यही लाइन है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें प्रोटीन अब्सेंट होता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, इसको याद रख लेना। देखो इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल में क्या आएंगे, आरएनए डीएनए, तो इसमें ये लाइन याद रख लेना कि इसमें जो आरएनए होती है वो लो मॉलिक्यूलर वेट की होती है, जो आरएनए होगी वो लो मॉलिक्यूलर वेट की होती है, ठीक है। अब वायरोइड्स के बाद हम करने जा रहे हैं प्रायोन्स। प्रायोन्स के बारे में एक चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्रायोन्स में क्या होता है, देखो P4 prion P4 protein हमने ट्रिक की थी, प्रायोन्स में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब प्रायोन्स दो डिजीज
कोर्स करते हैं एनसीईआरटी में दिया है यही अपने को याद करना है, कौन सी डिजीज एक बीएसई और एक सीजेडी, ठीक है। बीएसई मतलब बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, कैटल्स में ये होती है, और ये सीआर जेकब डिजीज ये ह्यूमंस में होती है, ठीक है। ये दो डिजीज प्रायोन्स की वजह से याद रखनी है, ठीक है। और एक मजे की बात यहां पर याद रखनी है कि ये दोनों डिजीज जिससे कोज होती हैं वो एक दूसरे के क्या है, एनालोगस वेरिएंट है ना, जिस भी प्रायोन से कोज होती है वो एक दूसरे के क्या है, ये जिसकी वजह से हुई वो आपस में क्या है, वो एनालोगस वेरिएंट है। ये चीज अपने को यहां पे याद रखनी है, ठीक है।